पथवी क्षेत्र के गांव पदार्था मुस्ताबाद में मेडिकल स्टोर पर ड्रग्स इंस्पेक्टर ने छापेमारी कर दो मेडिकल स्टोर संचालकों को लाइसेंस नहीं दिखाने पर उनके मेडिकल को सील कर दिया गया है। क्षेत्र के गांव पदार्था मुस्ताबाद में काफी समय से दोनों मेडिकल स्टोर बिना लाइसेंस के संचालित किए जा रहे थे। ड्रग्स इंस्पेक्टर अनिता भारती गुरुवार को लक्सर क्षेत्र में कुछ मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई कर हरिद्वार लौट रही थी। इस दौरान गांव पदार्था स्थित पेट्रोल पंप के नज़दीक उन्हें दो मेडिकल स्टोर संचालित होते दिखाई दिए। ड्रग्स इंस्पेक्टर अनिता भारती ने मेडिकल स्टोर पर छापेमारी कर दवाइयों की जांच की और साथ ही मेडिकल स्टोर संचालकों से लाइसेंस दिखाने को कहा गया, लेकिन मेडिकल स्टोर संचालक मौके पर कोई लाइसेंस नहीं दिखा पाए। लाइसेंस नहीं होने पर ड्रग्स इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर संचालकों को फटकार लगाते हुए दोनों मेडिकल स्टोर को सील कर दिया। साथ ही चेतावनी दी है कि जब तक लाइसेंस नहीं मिलता है तब तक स्टोर संचालित नहीं होगा। यहाँ पर कुछ दुकानें चल रही हैं जिनका कहना है कि उन्होंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है और लेकिन लाइसेंस अभी मिला नहीं है और ये दुकानें खोल के बैठे हैं। ये जो है ड्रग एक्ट के नियमों का उल्लंघन है। जब तक लाइसेंस मिल नहीं जाता तब तक किसी दुकान का संचालन नहीं किया जा सकता, इसलिए मेरे द्वारा इन्हें अभी फिलहाल बंद किया गया है। लाइसेंस मिलने के बाद ये अपना कार्य संचालन कर सकते हैं। आपने कितनी दुकानों पे ये अभी दो दुकानें यहाँ पे बंद की है।